हेलो दोस्तों, मनोज प्रिपेयर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम अपने भाई बहनों के लिए हरियाणा करंट अफेयर की एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें 1000 से ज़्यादा क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, और जिसमें से HSSC के आने वाले एग्ज़ाम्स में 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और दोस्तों, हम साथ में इसकी PDF और प्लस में ऑडियो भी लेकर आ रहे हैं। इससे क्या होगा कि अगर कोई भाई बहन जिसका इंटरनेट नहीं चल रहा है, या वो वीडियो नहीं देख पाता है, या किसी काम में बिजी है, तो ऑडियो सुन सकता है या बाद में PDF डाउनलोड करके PDF देख सकता है। तो दोस्तों, हम बिना टाइम वेस्ट किए हम डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चंस पर। पहला क्वेश्चन है, हरियाणा फिल्म सेल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? दोस्तों, इसका जवाब है हरियाणा फिल्म प्रोत्साहन बोर्ड। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कैंसर संस्थान हरियाणा के किस ज़िले में है? दोस्तों, ये है भाड़सा गांव, जो कि झज्जर ज़िले में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस वरिष्ठ पत्रकार तथा दैनिक ट्रिब्यून के पूर्व संपादक का पंचकुला में निधन हो गया? दोस्तों, वो थे राधेश्याम शर्मा। और हम आपको बता दें कि राधेश्याम शर्मा जो हैं, वो हरियाणा साहित्य अकादमी के निदेशक तथा उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का पहला लाल डोरा मुक्त गांव कौन सा बना है? दोस्तों, ये सिरसी गांव है, जो कि करनाल ज़िले में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरसी गांव हरियाणा का पहला लाल डोरा मुक्त गांव किस ज़िले में स्थित है? दोस्तों, ये करनाल ज़िले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल डोरा मुक्त गांव बनने से क्या फ़ायदे होंगे? दोस्तों, इसके जवाब हैं, लाल डोरा सीमा के भीतर रजिस्ट्री हो सकती है, और उस ज़मीन पर दोस्तों बैंक के द्वारा कर्ज ले सकते हैं, और गांव में बने घरों को नंबर अलॉट हो सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमुनानगर के कस्बे गिजराबाद का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? दोस्तों, इसका प्रताप नगर कर दिया गया था। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का पहला पेट्स क्लिनिक किस ज़िले में बनाया जाएगा? दोस्तों, पेट्स हैं जो छोटे पिल्ले होते हैं कुत्ते को, उनका दोस्तों ये गुरुग्राम में बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस ज़िले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ड्राइविंग प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान बनाया जा रहा है? दोस्तों, ये करनाल में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 600 एकड़ में इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर मार्केट कहाँ बनाई जाएगी? दोस्तों, ये गनौर में बनाई जाएगी, जो कि सोनीपत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का पहला एग्रीकल्चरल म्यूजियम किस विश्वविद्यालय में बनाया जा रहा है? दोस्तों, ये चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में, जो कि पड़ती है, वहाँ बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा प्रदेश का पहला एबिक सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है? दोस्तों, ये हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में बनाया जा रहा है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा प्रदेश के निगम, नगर पालिका और नगर परिषदों को किसके दायरे में लाने की तैयारी शुरू हो गई है? दोस्तों, ये जो आएंगे वो CAG यानी कैग के अंडर में आएंगे। और हमको बता दें कि निकाय मंत्री, जो कि हरियाणा में इस टाइम पे अनिल विज हैं, और कैग के जो इस टाइम पे प्रेसिडेंट हैं दोस्तों, वह हैं राजीव महरिषि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना ने पहली बार देश के किस विश्वविद्यालय के साथ डॉक्टर प्रोग्राम PhD के लिए करार किया है? दोस्तों, वो है महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक, और जो जिसके कुलपति अभी करंट में हैं प्रोफेसर राजवीर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की पहली नेशनल हॉकी एकेडमी का संचालन कहाँ किया जा रहा है? दोस्तों, ये महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक यानी कि MD में किया जाएगा, और जिसका नाम होगा मेजर ध्यानचंद के नाम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार ने किस नगर पालिका को नगर परिषद का दर्जा देने की घोषणा की है? दोस्तों, ये झज्जर को दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितनी आबादी से ज़्यादा वाले शहरों को नगर परिषद का दर्जा दिया जाएगा? दोस्तों, वह है 50,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किस ज़िले में श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया? दोस्तों, ये पलवल में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का सबसे बड़ा अशोक चक्र टोपरा कला गाँव में स्थापित किया गया, यह किस ज़िले में है? दोस्तों, ये यमुनानगर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनीता कुंडू ने अपने सेवन समिट अभियान के तहत विश्व के छठे महाद्वीप दक्षिण
दक्षिणी अमेरिका की किस सबसे ऊंची चोटी को फतेह किया? दोस्तों ये अंकागुआ को किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राखी घड़ी में हड़प्पा कालीन 5000 वर्ष पुराना प्रेमी जोड़े का कंकाल मिला है, यह किसको मिला है? दोस्तों ये पुणे के डेक्कन कॉलेज के डीम विश्वविद्यालय के पुरातत्वविद को मिला है। दोस्तों ये हमारे 21 क्वेश्चंस थे जो कि 1000 की सीरीज में आए हैं, और ये बहुत सारे सोर्सेज से हमने क्वेश्चंस इकट्ठा किए हैं और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो लाइक पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें और शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।